किसलिए पता है? वॉर हो गई, वॉर। वॉर कहाँ हाँ, भाई, किधर? कहीं नहीं, कहीं ट्विटर पे वॉर हो गई है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाजपा की सरकार है यूपी में, उनके आबकारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, उनके बीच और इधर समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल है, उन अच्छा दोनों के बीच में ट्विटर पे जंग छिड़ गई। मतलब ऐसी बहस हुई है कि क्या बताएं। मंत्री जी ने क्या किया कि अखिलेश यादव को बोल दिया कि वो औरंगजेब है, या औरंगजेब से उनकी तुलना कर दी। और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने बोल दिया कि ये तो दारू पी के टुन में पड़े रहते हैं। ये मैडम जो ट्विटर युद्ध की बात कर रही है ना, इसकी शुरुआत बीजेपी के मंत्री नितिन अग्रवाल ने ही की है। सबसे पहले उन्होंने ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देती चली आई है या दे रही है। अब यह सपा का संस्कार और कल्चर हो गया है कि समाजवादी पार्टी का नाम अगर कहीं आता है तो स्वाभाविक रूप से गुंडे और माफिया की तस्वीर सामने आ जाती है। ये नितिन जी ने पहले कहा था, इसके बाद जो है बवाल मचा है। हाँ देखो, जब नितिन जी ने इतनी बड़ी बात कही उसके बाद क्या हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी को भी गुस्सा आया, उनके मीडिया सेल ने मोर्चा खोल दिया और उसके बाद ट्वीट किया, जवाब दिया। क्या कहा कि सुनो नितिन अग्रवाल, जिस विभाग के मंत्री हो उसके हिसाब से कच्ची पक्की देसी पीकर टुन होकर बयानबाजी कर रहे हो क्या? हे मौसम विज्ञानी सुरा प्रभाव में दिन भर रहने वाले नरेश पुत्र, ये तुम्हारा ही बयान है। इस बयान के हिसाब से गुंडों को संरक्षण देने वाले तो तुम हुए। बताइए भैया, मंत्री जी को पियक्खड़ कह दिया। इस पे मंत्री जी कहाँ चुप रहते, नितिन अग्रवाल ने एकदम वो भी रेल के तुरंत वो भी ट्वीट कर दिए। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के मुखिया को औरंगजेब कहा जाता हो वो स्वयं औरंगजेब की तरह जाने किस विदेशी नशे में चूर होकर जगह जगह पर अपने आदरणीय पिताजी का अनादर करते आए हों। उनसे और उनकी पार्टी से हमें इस तरह की भाषा की उम्मीद करते हैं, जो अपने पिता का ना हो पाया वो जनता का क्या होगा। नितिन जी ने दिया फिर से। और पता है नितिन जी का गुस्सा एक ही बात में नहीं, मतलब जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या होता है कि बहुत ट्वीट करते हैं, बहुत लिखते हैं। तो नितिन जी ने एक ट्वीट तो किया और उससे उनका मन नहीं भरा, उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया। क्या किया दूसरा ट्वीट बताओ जरा। नितिन अग्रवाल ने लिखा कि पिताजी को बेइज्जत किया, चचा को दिया संदेश, समाजवाद के नाम पर औरंगजेब है अखिलेश। अरे ये तो कविता बन गई। अब समाजवादी पार्टी कहां रुकने वाली थी, उधर से भी ट्वीट आया और ट्वीट में कहा गया कि सुनो नितिन अग्रवाल, तुम पिताजी की बात तो मत ही करो, तुम्हारे पिताजी अपने पिताजी को धोखा देकर दिल्ली से टिकट ले आए थे, ये हरदोई में सार्वजनिक है। रही बात तुम्हारी, जिन विस्की रम के ज्ञाता तुम्हारे मौसम विज्ञानी पिताजी ने तुम्हें अपने सुरा मन मुताबिक विभाग दिलवाया है। कहीं ना बात पिताजी लोगों पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी भी नहीं रुकने वाली थी यहाँ पर, उसने एक और ट्वीट किया, वो भावना आपको बताएंगी। और इस बार के ट्वीट में ना समाजवादी पार्टी ने इस बार नितिन के पिता को घेर लिया, बताइए जरा वो भी सुनाइए। तो समाजवादी पार्टी ने फिर ट्वीट किया, एक ट्वीट तो हमने बता दिया, दूसरा फिर ट्वीट किया। उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो नितिन के पिता नरेश अग्रवाल हैं उनका एक वीडियो शेयर किया और बोला कि ओ ठर्रा नरेश पुत्र, ये तुम्हारे ही सुरा प्रेमी डैडी जी हैं ना, तुम भी इन्हीं की तरह दिन में ही देसी कच्ची पक्की दो चार पैग मार के अपने विभाग में टुन्न रहते हो क्या? तुम्हारे पिताजी को संसद में सुरा के नरेश में शराबों में भगवान दिखते थे, तुम्हें हर जगह नेता विपक्ष दिखते हैं। लग रहा था वाक यूं तो खत्म ही नहीं होगा, एक नहला मार रहा था दूसरा दहला मार रहा था, समाजवादी पार्टी फिर नहीं रुकी। फिर उसके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा गया कि दारू में जिसे भगवान दिखे वो है ठर्रा नरेश, दारू मंत्री जिसका लड़का वो है रम विस्की जिन प्रेमी ठर्रा नरेश। मतलब भाई गजबे हो गया, ये बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई। लेकिन एक बात तो तय है, पब्लिक का बहुत एंटरटेनमेंट हुआ। हाँ, लोग खूब मजे ले रहे हैं। ये जो ट्वीट्स हुए हैं इसमें एंटरटेनमेंट तो पब्लिक का खूब हुआ। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इनकी और मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट्स में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते रहिए एबीपी लाइव।